नाउ वी आर गोइंग टू प्ले चेस नेपाल वर्सेस इंडिया. तो ये देखिए डबल डेकर है. $10. He is from Canada and this people are from Nepal. I am from India. गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है. और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू दोस्तों. और जिन्होंने नहीं किया यार, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है. तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं नेपाल के पोखरा में कहाँ पे रुका हूँ. पोखरा इज़ वेरी कॉस्टली दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारे होटल है, रिसोर्ट है, जो कि बहुत महंगे हैं. तो मेरे जैसे ट्रैवलर को होटल और रिसोर्ट में रहना नामुमकिन जैसा है. तो दोस्तों, ये है जिप्सी होस्टल एंड बैकपैकर, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों. और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, कुछ ऐसा एरिया है. और ये सामने में यहाँ पे नाइट को फंक्शन होता है, म्यूजिकल फंक्शन, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन. और दोस्तों, इधर आप बैठ सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही मस्त है. और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये खेल सकते हो, आपने तो देखा ही होगा, इवनिंग में खेल भी रहे थे हम लोग. यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो. क्या मस्त ही डिज़ाइन है दोस्तों इसका. ये देखो दोस्तों, ये है कॉमन एरिया, यहाँ पे बैठ कर आप मूवीज़ ये सब भी देख सकते हो. सामने में टीवी है, तो कुछ ऐसा है. और दोस्तों, ये है मेन काउंटर. और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए, जिप्सी होस्टल एंड बैकपैकर. यहाँ पे रोज़ का मीनू, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या फंक्शन होंगे. और दोस्तों, यहाँ पे दबा के बियर पार्टी होती है. देखो, ये पिछले नाइट की थी, इतना सारा बियर का बोतल. गजब का है दोस्तों ये जगह, मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा. ये रहा हमारा एंट्री गेट, ऐसे आप आते हो इसमें. यहाँ पे नोटिस है, यहाँ पे जो भी होता है फंक्शन यहाँ पे चिपकाया जाता है. इधर भी आप बैठ सकते हो. अभी सुबह के 8 बजे हैं. और ये देखिए कितना कलरफुल है दोस्तों. शाम को तो मज़ा ही आ गया था, कल हमने यहाँ पे टेबल टेनिस खेला था बहुत दिनों के बाद. और दोस्तों, यहाँ पे किचन है. अगर आप रुकते हो हॉस्टल में तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा. बहुत सारे लोगों से मतलब बहुत सारे कंट्रीज के लोगों से. जैसे मैं अभी रुका हूँ 3-4 दिन से, तो मैं दोस्तों मिल रहा हूँ यहाँ पे जर्मन के लोगों से. कैनेडियन जो है वो हैं, ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन हैं. गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, पूरा ओपन है दोस्तों, कुछ भी बात करो, हंसो. पिछले नाइट तो दोस्तों हमने 4 बजे सोया है. एवरीडे दे कॉल मी, हाफ ऑफ देयर सैलरी दे हैव टू पे टू रेंट. Yeah. Accommodation. And hello. Very, yeah. Hello, friends. At the pack on arm. At the midnight, Rajin. We Rajin. Are yeah. discussing on global topic. Yeah. Nice to meet you, man. It's true what you said. You know, a bag of chips, from, just a bag of Lay's. Yeah. It's $7. He is from Canada, and these people are from Nepal. I am from I'm India. Why to blogger again? No. He's Gladys. Making money, bro. No. He's Gladys. Making money. Gladys. No. Here is our Canadian brother. Here is our Banza from United States. Yeah, he is from. Now you are making fucking money, huh? Why you do paisa chhap raha hai to hamare saath mil ke? No, no, no. No, no, just kidding. Yeah. Welcome. Yeah. Welcome to Poker, Alexei. Yeah. It's fucking expensive, Canada. Yeah. And the most beautiful thing of Nepal is its yeah. diversity, you know? Yeah, yeah. Me. We treat our guests like a god. Like a girl? God. Like a freaking god, dude. Okay? If someone comes in our house, yeah. in our home, as a guest, yeah. We treat them like a god, and you are our guest. Philip जो थे वो कनाडा के थे, जर्मन के थे मार्क. तो उन दोनों से इतनी ज़्यादा बातें हुई है, और जो नेपाल के लोग हैं उनसे भी. तो बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों. और जो हॉस्टल है, अंदर का भी मैं दिखाऊँगा कैसा है. तो ये देखिए डबल डेकर है ऐसा, और मेरा बेड ये है, बहुत ही मैसी है. तो फ्रेंड्स, ऐसा है हमारा हॉस्टल. तो दोस्तों, मेरे साथ हैं जर्मन से मिस्टर फिलिप. वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया एंड जर्मन. व्हाट इज ट्रैवलिंग? या ट्रैवलिंग इज लाइफ.
Yeah. So you can explore a lot of different things. Yeah. Meet the people, the nature. Yeah. It's very interesting. Yeah. It's very interesting. Tell something about Germany. What kind of country and how people live there, culture, tradition. Yeah, we like eat different foods. Yeah. Yeah. And to explore the nature. Yeah. Go hiking or skiing. What are your perception about India? India, yeah. India is a beautiful country. It's a beautiful country. It's nice to explore. Why not? Yeah. I spent there 4 weeks. Yeah. It was definitely a good choice. We stayed Rajasthan. Rajasthan. Jaisalmer. Yeah, Rishikesh. Rishikesh and Varanasi. Varanasi and a few more cities. Very, very interesting. And you're planning to visit South India. Yeah, of course. Yeah. I think it's, It's South India. I should definitely do that. Yeah. And I recommend you please visit Ladakh and... In the north. Ladakh. And Northeast India. Yeah. Like Meghalaya, Sikkim. These are very beautiful mountainous place in India. The Kashmir area. Kashmir area. So nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Of course. और यहाँ पे जैसे बाइक है ये, तो आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पूरा पोखरा को एक्सप्लोर कर सकते हो. और जब मैं अगला बार आऊँगा ना, तो श्योर करूँगा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ज़रूरी हो. और यहाँ पे साइकिल भी ले सकते हो दोस्तों. और ये जब नाइट में जब लाइट जलता है ना, बहुत ही शानदार दिखता है दोस्तों. नाउ वी आर गोइंग टू प्ले चेस नेपाल वर्सेस इंडिया. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. फ्रेंड सॉरी फॉर दैट, माय क्वीन इज नॉट डेडिकेटेड टू मी. सी ब्रोक माय हार्ट. एंड दिस इज द पर्सन who kept my queen. Milan Baba. Ali Baba. Yeah, Ali Baba. Nice, you play very well, brother. I like your game. Wow, you play very nice. Thank you so much. और यहाँ से walking distance पे ही दोस्तों main road है. तो ये है जिप्सी हॉस्टल. अगर कभी आप आओ पोखरा में, तो जिप्सी हॉस्टल में रुक सकते हो. और वो रहा हमारा मेन जो है रोड यहाँ का. और यहाँ पे और सब भी हॉस्टल है, ये देखो आप देख सकते हो. एक से बढ़कर एक होटल है, रिसोर्ट है. पर ये मुझे अच्छा लगा. और पर डे का अगर मैं बोलूँ तो कितना पैसा लगता है इसमें, तो 350 नेपाली रुपीज़, लाइक 150 या 200 इंडियन रुपीज़ यार. तो इससे सस्ता क्या ही होगा. तो बहुत ही अच्छा है बजट ट्रैवलर के लिए दोस्तों. और यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं रुकना यार. यहाँ का वॉशरूम सही है, यहाँ के लोग सही हैं, जो ऑनर हैं वो सही हैं, काम करने वाले सही हैं, बहुत ही फ्रेंडली है. और आप जैसे बात करोगे वैसे बात करेंगे पूरा खुलकर. तो ये चीज़ है दोस्तों. और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको. तो बहुत अच्छा लगा. और इसके बीच में ये देखो पेड़ है, पेंटिंग्स भी है. यहाँ पे आके आप लोग रुक सकते हो. हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो अच्छा जगह होता है मुश्किल से मिलता है, तो आप पहले बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो है ना यहाँ का कंपार्टमेंट और जो सीट बोलो या बेड बोलो, जल्दी से बुक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है हॉस्टल. सो ये रहा कुछ हिसाब किताब यहाँ का, और सोचा मैं बता दूँ आपको. तो आज का मेरा बहुत सारा कुछ प्लानिंग भी है, तो मैं रिवील नहीं करूंगा अभी. अभी बज रहा है इवनिंग के 8:30. आज मैंने पूरा दिन चलाया दोस्तों, तो थक गया हूँ. खाया पिया और आराम कर रहा हूँ. ये जो गेट है इधर वॉशरूम है, तो कुछ ऐसा है दोस्तों, डबल डेकर.